प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत गंदवानी विधानसभा के बाग में जिला कलेक्ट्रेट पंकज जैन के नेतृत्व में बाग तहसीलदार, पुलिस व फूड विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त दल बनाकर छापेमार कार्यवाही की है। दरअसल धार कलेक्ट्रेट पंकज जैन को मुखबिर की सूचना मिली थी बाग के पल्लव अगाव नामक व्यक्ति के गोडाउन पर पीडीएस चावल का अवैध तरीके से भंडारण किया गया। सूचना को गंभीरता से लेते हुए धार कलेक्ट्रेट पंकज जैन द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिस पर तहसीलदार बाग, पुलिस व फूड विभाग में अधिकारी बाग के रिसावला में पल्लव अगाल के निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे, जहां गोडाउन पर लॉक लगा हुआ था। अधिकारियों द्वारा उक्त मामले से जुड़े व्यक्ति को मौके पर बुलाया, मगर वहां से फरार हो गया। प्रशासनिक टीम को लगभग 3 घंटे तक गोडाउन खोलने को लेकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद टीम द्वारा गोडाउन के तालों को कटर के माध्यम से काटा गया। संयुक्त टीम को गोडाउन से 224 चावल के कट्टे मिले हैं, जिन्हें जब्त करने की कार्यवाही की गई। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट।